राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल स्टूडेंट की सोमवार को मौत हो गई। मृतक का अंतिम संस्कार आज कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। बच्चे को उसके पिता व चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। एमबी अस्पताल में भर्ती छात्र की दोपहर करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात की गई। शहर में स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, इंटरनेट भी बंद रहेगा। शहर में स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। छात्र के दम तोड़ने के बाद परिजनों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि शहर में दोबारा किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस जाब्ता भी बढ़ाया गया है। इसके चलते पूरा उदयपुर छावनी में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि उदयपुर में 16 अगस्त को हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए छात्र ने सोमवार को दम तोड़ दिया। छात्र का इलाज एमबी अस्पताल में चल रहा था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। छात्र की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। इसके बाद परिजनों ने छात्र का शव लेने से इनकार कर दिया। लंबी वार्ता के बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और SC ST एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई करने पर सहमति जता दी है। परिजनों ने परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने और स्कूल स्टाफ को हटाने की मांग की है। सरकारी नौकरी के लिए प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। समझौते के बाद मृतक छात्र का पोस्टमार्टम भी करवाया गया और आज सुबह 7 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस घटना के बाद शहर में तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार यानी आज देर रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही शहर में सभी स्कूल कॉलेज भी आज बंद रखे गए हैं। हालांकि आज होने वाली परीक्षाएं यथावत रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। मारपीट की ये घटना शुक्रवार 16 अगस्त की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भटियानी चौहट्टा की है। दो नाबालिग छात्रों का पहले कक्षा में झगड़ा हुआ था। बाद में स्कूल परिसर के बाहर समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर छात्र को पुलिस ने डिटेन कर लिया था और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर छात्र कक्षा 9वीं का छात्र है, जबकि मृतक देवराज कक्षा 5वीं का छात्र था। देवराज के पिता कुवैत में नौकरी कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद वे भारत लौटे। हमले के बाद उदयपुर में तनाव की स्थिति बन गई थी। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी करते हुए काफी उपद्रव भी मचाया। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन की ओर से मोबाइल नेटबंदी की गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।